21 दिन तक चलने वाले इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी भूखा ना रहे, इसके लिए प्रशासन और समाजसेवी संस्थाएं सामने आ रही हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत करवाई है। कम्युनिटी किचन के जरिए हर दिन 3,500 लंच पैकेट तैयार करके उन जरूरतमंदों तक पहुंचाए जाते हैं जिन्हें खाने की आवश्यकता होती है। खाने के इन पैकेट्स को पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों द्वारा लोगों के बीच भेजा जा रहा है। पैकेट में दिन के लिए पूरी सब्जी और अचार रखा जाता है, जबकि रात को तहरी बांटी जाती है। इसके अलावा चावल, आटा और दाल जैसी खाद्य सामग्रियों का भी वितरण किया जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बारे में बात की है और ज्यादा बात की है हमारे संवाददाता नगमा शेख से। देश में जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से भूखों को खाना खिलाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की अगर जो हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा कम्युनिटी किचन की शुरुआत 4 दिन पहले की गई है। आप देख सकते हैं कि बड़ी ही सफाई के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल करके इस किचन की शुरुआत की है। साथ ही बहुत सारे पैकिंग हो रहे हैं, बड़ी ही साफ सुथरी, देख सकते हैं कि हाथों में ग्लव्स है, लोगों के चेहरे पे मास्क है, यहाँ पर सैनिटाइजर भी रखा गया है, जो लोग एंट्री करते हैं सैनिटाइज किया जाता है। इसके साथ ही मास्क और सर पे लगाने के लिए भी कैप दिया जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। बहुत सारे पैकेट्स हैं उनको बंटवाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। नवीन जी स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, जिस तरह लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, बहुत सारे भूखे लोग रोडों पर थे, अभी कम्युनिटी किचन की शुरुआत हो गई, मुख्यमंत्री ने भी किया, डिप्टी सीएम भी कर रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा है, इसके साथ ही कितने लोगों तक पहुंच रहे पैकेट? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संपूर्ण देश में 21 दिन का जो लॉकडाउन किया गया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, जिन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है, जिन तक खाने की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा प्रयागराज में और यहाँ लखनऊ में आज चौथा दिन है जब जरूरतमंद लोगों के लिए खाना बना हुआ डिब्बा और सूखे राशन के पैकेट भी पहुँचाए जा रहे हैं। लगभग 2,000 के आसपास बने हुए खाने के पैकेट, जिसमें पूरी सब्जी मिठाई है, और जो सूखे राशन के पैकेट हैं जिसमें 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, 1 किलो दाल, तेल, नमक, मसाला और लैया चना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसको पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारा विचार परिवार, सेवा भारती या स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से या जरूरतमंद लोगों की तरफ से जो अनुरोध आ रहा है उसके आधार पर हम इनका वितरण कर रहे हैं। दूसरा, मैं एक बताना चाहूँगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा अपने विभागीय अधिकारियों यानी PWD, राजकीय निर्माण निगम और ब्रिज कारपोरेशन के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि आज से कल तक के बीच में वो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में यानी 75 जनपदों में जिला स्तर पर एक कम्युनिटी किचन जो है अधिकारी और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से शुरू करें ताकि पूरे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। सारे पैकेट्स देखे हैं और सूखा भी राशन है, तो कॉल आती इनके लिए कुछ स्पेशल नंबर रखे गए हैं आप लोग के पास? जी हाँ, उसके लिए नंबर जो है वो व्हाट्सएप नंबर जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। और लखनऊ में विशेषकर जहाँ पर हम हैं, यहाँ पर हम, मैंने पहले ही बताया कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारा विचार परिवार एवं स्वयंसेवी संस्थाएं, उनके द्वारा यह बताया जाता है कि यहाँ पर इतने लोग हैं, जरूरत है इतने पैकेट की या इतने डिब्बे खाने की, तो वह हमारे कार्यकर्ता जो है उसको वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। बीजेपी सरकार की अगर जब बात करें तो लगातार लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री भी आगे आ रहे हैं, उसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी मौर्य आगे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज दिया था, कोरोना कोई रोड पर ना निकले, तो इन डिब्बों पर वो मैसेज भी लिखा गया है ताकि लोगों को ये सीख भी हो, जागरूक भी हो कि रोड पर ना निकल कर घर में ही क्वारंटाइन रहे और कोरोना से पूरी तरीके से लड़कर कामयाब हो। वीडियो जर्नलिस्ट अलेश के साथ तकबा शेख, APA News, लखनऊ।